गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रीकांत सिंह, HM प्राइमरी स्कूल गढ़कटरा, अपने विद्यालय की एक छोटी सी झलकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको बेहद अच्छा लगेगा। इधर है हमारा गांव गढ़कटरा, और जैसे ही हम घूमते हैं तो बस्ती से आगे हमें मिलता है अपना स्कूल, प्राइमरी स्कूल गढ़कटरा। और जैसे ही आप स्कूल से 100 मीटर दूर इंटर करेंगे, आपको सड़क के दोनों किनारों पर ट्री गार्ड से ढके हुए पौधे नज़र आएंगे। और ये ट्री गार्ड भी हमें, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने हमें दान किया है। और इस तरह से आपको सड़क के दोनों किनारों पर खूब सारे पौधे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ट्री गार्ड लगे हुए, और इन सब में हमने नीम के पौधे लगाए हैं। यह हमारे विद्यालय के परिसर का बाहरी हिस्सा है, या कहें कि यह हमारे विद्यालय का एंट्री है गांव की ओर से स्कूल के लिए। और स्कूल के जाते तक नीम के पौधे, और उसके आगे जो सड़क गई है वहाँ हमने लगाया है करंज के पौधे। और इन सभी पौधों में जो दान करने वाले हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो यह हम पहुंच गए विद्यालय के पास, और विद्यालय में ये जालीदार अहाता लगा हुआ है। यह घेरा भी हमने सामुदायिक सहयोग से पूरा कराया है, और इस पर लगभग हमने 60,000 रुपये खर्च किया है, जिसमें पालकों का सहयोग है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, और सोशल मीडिया से जुड़े हमारे साथियों का सहयोग है। इन जालीदार जो अहाता है उसमें टायरों को खूबसूरत रंगों से रंग कर इसे सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इन टायरों में आपको टीचिंग मटेरियल भी मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे इन टायरों में 7 टायर जो लगे हुए हैं, इसमें लिखे हैं सप्ताह के दिनों के नाम, हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ कलर का परिचय देते हुए अलग अलग रंग, जैसे येलो, इधर आपको मिलेगा रेड, यह ग्रीन, और यह है हमारे अहाते से स्कूल के लिए एंट्री। गेट लगना बाकी है, पर जल्दी ही हम लगा लेंगे। आपको अहाते के अंदर किनारे किनारे पर सामने फूलदार पौधे नज़र आएंगे, और यह बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, और यह झूला, उधर भी एक झूला लगा हुआ है। और ये है उनका हैंड वॉश पॉइंट, जहाँ बच्चे भोजन पूर्व हाथ धोते हैं। और यह भी हमें श्रीमती मालती जोशी मैडम के सहयोग से मिला है। और यहाँ कुछ पौधे तैयार हैं जो अब लगने हैं। और ये हमारा हैंड पंप, 2-in-1 हैंड पंप भी है, और इसमें बोर भी फिट है, पंप भी फिट है। और इधर है हमारी केले की बाड़ी। चलिए गेट के दूसरे छोर पर मैं आपको ले चलता हूँ। गेट के दूसरे छोर पर हमारी एक छोटी सी किचन बाड़ी है, और चूंकि अब गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए तो अब आपको थोड़ी कम सब्जियाँ मिलेंगी यहाँ। अभी टमाटर है, धनिया है, मेथी है, और चूंकि पानी कम है इसलिए सब्जियों की मात्रा भी अभी कम है। पर किनारे किनारे पर फिर देख रहे होंगे ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, आम, अमरूद, आंवला, कटहल, और कुछ फूलदार पौधे। और इधर है मेथी की भाजी। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आप सभी को विद्यालय का बाहर दिखा देता हूँ, और फिर चलेंगे हम विद्यालय के अंदर। तो यहाँ पर भी हैंड वॉश कॉर्नर है, और बाउंड्री के किनारे किनारे, जैसे आप देखेंगे यहाँ किनारे किनारे पर यह पौधे, और ये पौधे अब हमसे भी बड़े हो गए हैं। लगभग 2.5 साल का समय इनको निकल चुका है, और यह पेड़ तो काफ़ी बड़ा हो गया है, कटहल का पेड़ है। इसी तरह से किनारे किनारे पर लगभग 100 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, और सारा सहयोग जो है समुदाय का है, कुछ मेहनत हमने की है। और यहाँ भी हमने सब्जियाँ लगाई थी, पर अब जैसा धूप बढ़ा है तो सब्जियाँ अब थोड़ी कम हो गई हैं। और आगे मैं ले चलता हूँ आपको
अपनी चीकू और लीची के पौधे की ओर। और इसमें भी आप देखेंगे कि फूल लग चुके हैं। और यहाँ हमारा सबसे बड़ा गार्डन है कह सकते हैं, जहाँ ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। और इस पौधे को देखिए, 2.5 साल में ही यह हमें फल देने लगा है। यह देखिए, इसमें फल लगे हुए हैं। छोटा सा ही पौधा है पर फल देने लगा है। और इधर और आगे चलते हैं, इधर आपको आम, कटहल और पपीते के पौधे नज़र आएंगे। इसमें से हमने खूब सारी सब्जियां खाई हैं। और अब जो है, यहां से सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। पपीते का फल अभी लगा नहीं है, हमने सबको मध्याह्न भोजन में सब्जी के रूप में खा लिया। यहां आपको दिख जाएगा यह पपीता एक बार फिर से फल रहा है। और आगे है यह बिही का पौधा। यह हमारा किचन शेड और इधर यह हमारा अतिरिक्त कक्ष। और अब हम चलेंगे अपने मेन बिल्डिंग की ओर। यह है हमारा मेन बिल्डिंग का मुख्य गेट। और चलिए, यहाँ से हम चलते हैं बिल्डिंग की ओर। आप देखेंगे ढेर सारी चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑफिस। और यह हमारी ऑफिस है, मध्याह्न भोजन के लिए थाली लगी हुई और ऊपर हमारी छोटी छोटी उपलब्धियाँ जो लगी हुई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 1-2। और यहाँ देखिए, आकर्षक ढंग से इसको पेंट किया गया है। और ये हमारे क्लास 1-2 के प्यारे प्यारे बच्चे जो पढ़ने के साथ साथ टीवी का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, बच्ची लिख भी रही है और सामने टीवी भी चल रहा है, जहाँ बच्चे आनंद ले लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे क्लास 1 और 2 के बच्चे। और ये है जिन, और नीचे मिलेगा आपको छोटा भी। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 4-5। यह है हमारा क्लास 4-5, जहाँ हमारे अजय कौशल सर क्लास दे रहे हैं। तो उसी बोला जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, आपको चारों तरफ पेंटिंग नज़र आएगी। ये अभी निर्माणाधीन है, कुछ पेंटिंग बाकी है, पर हमारे प्यारे बच्चे बेहद शांति से पढ़ाई करते हुए। अब चलते हैं हम इस बरामदे को देखिए। यहाँ हमारे देश, राज्य और ज़िले का परिचय लिखा गया है। इधर की पेंटिंग आपको बताएगी गुड टच, बेड टच। और इसी के नीचे आप देखेंगे हमारे स्कूल में कब बुलबुल संचालित है, स्काउट गतिविधियाँ, तो उनकी छोटी छोटी जो गतिविधियाँ हैं वह यहाँ लिखी गई हैं। इधर की पेंटिंग आपको बताएगी ट्रैफिक की जानकारी। और यहाँ हमारे क्लास 3 के जो बच्चे हैं लाइब्रेरी में पुस्तक निकाल कर पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी लाइब्रेरी में ढेर सारी पुस्तकें हैं, आप देखेंगे कि ये पुस्तकें। और इनमें से कुछ पुस्तकें भी हमें डोनेशन के तौर पर आशीष भैया की ओर से मिली हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 3, जो हमारा स्मार्ट क्लास है, प्रोजेक्टर क्लास। ठीक है, तो ये रूम भी काफ़ी सुंदर सजा हुआ। और सामने जो आपको दीवार दिख रहा है, बिल्कुल पाक साफ, कोरा सफ़ेद, ये हमारे प्रोजेक्टर का पर्दा के रूप में यूज़ करते हैं। और यहाँ भी बच्चे स्मार्ट तरीके से प्रोजेक्टर से पढ़ाई करते हैं और उसको हम समय समय पर लगाते हैं जैसे हमें पढ़ाना होता है। तो यहाँ भी आपको डायनासोर की पेंटिंग और पढ़ने के लिए ढेर सारी मटेरियल आपको मिलेंगे, या प्रिपोजिशन के लिए। और सामान कुछ ज़्यादा है इसलिए बहुत कुछ ढक चुका, बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्टून, च्युइंगम शेयर, तो इधर बॉक्सर, अरे नोबिता। तो ये है हमारा क्लास 3 विथ प्रोजेक्टर क्लास, स्मार्ट क्लासरूम। और बहुत जल्द इसको और बेहतर हम बनाएंगे। तो ये है हमारा विद्यालय और मुझे लगता है आपको यह बेहद अच्छा लगा होगा। चलिए कुछ और दिखा देता हूँ, जैसे हम बच्चों को कुछ और चीज़ें सिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्लास्टिक के जो कैन हैं 5 लीटर के,
और इसको हमने सुंदर तरीके से काट काट कर हाथी का तो गेंडे का रूप दिया हुआ है, ये हमारे बच्चों को जीते रखने के लिए फिलहाल।